नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर, आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज की क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए सुधारों में जो एक सुधार और नए परिवर्तन जो उसके द्वारा किए गए, उसके तहत हम जो दोआब में कर वर्दी है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो हम पीछे की क्लास में पढ़ रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का द्वितीय शासक है, उसके पहले गयासुद्दीन तुगलक रहा था 1320 से लेकर 25 ईस्वी तक। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है जो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो उसके द्वारा सिंहासन पर बैठने के पश्चात गृह नीति अपनाई गई, उसके द्वारा जो सुधार किए गए और नवीन परिवर्तन जो नए नए प्रयोग उसके द्वारा किए गए, उन प्रयोगों में आज किए गए दोआब के जो कर वर्दी का प्रयोग उसके बारे में पढ़ेंगे जो अंततः असफल रहता है। तो दोआब से पहले विद्यार्थियों मैं आपको समझाता हूँ दोआब से क्या तात्पर्य। दोआब यानी आब कहते हैं नदी को, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। ये गंगा और यमुना नदी है, उसके आसपास का एरिया है जहाँ पे अत्यधिक उपजाऊ भूमि थी और वहाँ पर जो अत्यधिक उपजाऊ फसलें पैदा होती थी। इस क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है, कर को बढ़ा दिया जाता है बाकी क्षेत्रों के बजाय, और ये जो इसकी कर बढ़ाने की योजना है ये असफल रहती है। मुस्लिम इतिहासकारों की बात करें तो मुस्लिम इतिहासकारों ने कर बढ़ाने के कई कारण बताए हैं, जिनमें मुख्यतः बात की जाए तो उनका मानना था जो उपद्रवी लोग इस क्षेत्र में जो उपद्रवी लोग रहते थे, मतलब उनके द्वारा बार बार विद्रोह किया जाता था और सुल्तान को परेशान किया जाता, इसी वजह से उनको दंडित करने के लिए सुल्तान के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस क्षेत्र में जो कृषि कर है उसे बढ़ा दिया जाता है। और उनके द्वारा कहा जाता है कि राजकोष एक अन्य कारण बताया जाता है, उनके द्वारा बताया जाता है कि राजकोष को भरने के लिए, यानी जो इनका जो राजा का कोष है उस भंडार को भरने के लिए इनके द्वारा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कर को बढ़ाया जाता है। और कहते हैं विशाल सेना का निर्माण करने, शक्तिशाली सेना का निर्माण करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए इसके द्वारा दोआब में कर बढ़ा दिया जाता है। हालाँकि बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी दोआब में कर बढ़ाया जाता है और शक्ति के द्वारा वसूल किया जाता है, लेकिन अगर सामान्य परिस्थितियों में बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तो कहा जाता है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले सुल्तानों सबसे सुदृढ़ स्थिति इसकी थी, सारे लोग इसके समर्थन में थे और राजकोष भी खूब अच्छा खासा भरा हुआ था और सेना इसके पास विशाल सेना थी। तो ये बात जो वास्तविक प्रतीत यथार्थ प्रतीत नहीं होती है, लेकिन इतिहासकारों जो मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा ये विवरण दिया गया है। जो तीन कारण हमें यहाँ गिनाए गए कर वृद्धि के कारणों में, राजकोष को भरना और उपद्रवियों को दंड देना और सेना की शक्ति को बढ़ाना, लेकिन कुछ इतिहासकारों द्वारा यही बात कही गई है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई थी ये एक सामान्य परिवर्तन ही था, न कि इसके पीछे ये कारण थे कि जो उपद्रवियों को सजा देना और जो सेना को बढ़ाना, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए या फिर राजकोष को बढ़ने के लिए, ये बात हमें कम ही प्रतीत सत्य होती है। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो दो नदियों का जो उपजाऊ क्षेत्र है दोआब जिसे कहते हैं, उसमें जो कर बढ़ाने की अपनी योजना बनाई जाती है और अंत में जो सुल्तान के द्वारा इस योजना को त्याग दिया जाता है क्योंकि ये असफल रहती है। अब बात करते हैं मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा जो बताया गया, जो मुस्लिम इतिहासकार है उन्होंने कहा कि दोआब क्षेत्र में कितना कर बढ़ाया गया, तो उसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कर वृद्धि यहाँ पे बताई। ये बात की जाए तो बर्नी कहता है कि 10 से 20 गुना कर बढ़ा दिया। अगर आप भी देखो ये बात, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, किसी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं करना चाहिए अपने को। अगर एक रुपया कहीं टैक्स ले रहा है तो उस टैक्स को अचानक से बढ़ाकर 20 रुपये करना पॉसिबल नहीं होता
किया है, तो ये बात इनकी असत्य प्रतीत होती है यहाँ पे। और यहिया बिन अहमद है जो यहिया, यहाँ मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, यहिया बिन अहमद कहते हैं कि सुल्तान ने किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया था, ये सिर्फ गरई और चर यानी जो घर से अतिरिक्त कर लिया गया और पशुओं के चराने पे जो कर लिया जाता अलाउद्दीन खिलजी के समय बढ़ाया गया था वही कर यहाँ पे लिया जाता, ये यहिया बिन अहमद का कहना है। और निजामुद्दीन नाम का जो मुस्लिम इतिहासकार है वह कहता है कि 10 गुना कर बढ़ा दिया गया, और फरिश्ता कहता है कि 3 से 4 गुना कर यहाँ पे बढ़ाया गया। लेकिन अगर वास्तविक में देखा जाए वास्तविक रूप से तो इतना सारा कर एक साथ में बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, असंभव ही प्रतीत होता है। यहाँ आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की बात करेंगे जो आधुनिक इतिहासकार हैं, जो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री जो मध्यकालीन भारत का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर एल श्रीवास्तव कहते हैं कि सुल्तान के द्वारा जो कर वृद्धि की गई थी वह सामान्य कर वृद्धि थी, और अपनी आय को 3 से 4 या 4 से 5% बढ़ाने के लिए सुल्तान के द्वारा क्या किया गया था, सुल्तान के द्वारा जो अतिरिक्त कर लगाए थे घरों पे कर और चराने पे जो पशु चारण पे कर लगाने के बाद उसके द्वारा अपनी 5 से 4% जो वृद्धि करके आय को बढ़ाया गया था, ये आधुनिक इतिहासकार एएल श्रीवास्तव का मानना है। अब बात करते हैं दोआब में जो कर वृद्धि की योजना इसके द्वारा अपनाई गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, वह योजना किस तरीके से असफल हो जाती है, अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को इसे त्यागना पड़ता है। और इब्न बतूता और बढ़नी की हमने पहले भी बात की थी कि इब्न बतूता और बढ़नी के द्वारा जो मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब की कर वृद्धि योजना उसकी जमकर आलोचना यहाँ की जाती है, ये अपने को देखने को मिलता है। तो ये क्या कहते हैं, उस समय परिस्थितियाँ भी विपरीत थी, कहते हैं कि सुल्तान की किस्मत ही ख़राब थी मोहम्मद बिन तुगलक की। उसी समय क्या होता है, जिस समय सुल्तान के द्वारा कर बढ़ाया जाता है उसी समय उस दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती, और किसानों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, किसानों में आक्रोश पैदा होता है और किसानों के द्वारा क्या किया जाता है, जगह जगह विद्रोह कर दिए जाते हैं, और सुल्तान के द्वारा आदेश दिया जाता है कि जो बढ़ाया हुआ कर है उसे सख्ती के साथ वसूला जाए। और सख्ती के साथ जब कर वसूला जाता है तो कई किसानों के द्वारा अपनी जगह छोड़ के पलायन कर दिया जाता है, और ये जो निर्ममता उनके साथ की जाती है तो कई जगह इसी वजह से विद्रोह होते। अगर ये बात की जाए तो ये मूल रूप से जो इसमें दोष पीछे माना जाता है परिस्थितियों और अधिकारियों का माना जाता है, इतिहासकारों के द्वारा जो अध्ययन किया गया इतिहासकारों का कहना है कि अधिकारियों के द्वारा यथास्थिति और वास्तविकता जो है उससे मोहम्मद बिन तुगलक को दूर रखा जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक को वास्तविकता नहीं बताई जाती और सख्ती किसानों के साथ की जाती है, जिसी वजह से ये इनकी योजना दोआब में कर वृद्धि की योजना असफल हो जाती है, और मोहम्मद बिन तुगलक पे जबरदस्ती आरोप मंड दिया जाता है, वह बेचारा यहाँ निर्दोष होता है, ये कई इतिहासकारों का कहना है। अब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो योजना है बनाई गई वो असफल हो जाती है, जब मोहम्मद बिन तुगलक को ये बातें पता चलती है वास्तविकता का पता चलता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तकावी ऋण जो कृषि ऋण होता है जो किसानों को बैल लेने के लिए हल लेने के लिए और बीज लेने के लिए अलाउद्दीन जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की बात करें एल श्रीवास्तव कहते हैं कि ये जो सहायता मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा पहुंचाई गई इसमें काफ़ी देरी हो गई, कई इतिहासकार भी यही बात करते हैं, और ये उनके जो घावों पे एक तरह मरम पट्टी का काम करने वाली ही सहायता थी, लेकिन ये काफ़ी समय के पश्चात पहुंचाई गई। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो दोआब में कर वृद्धि की योजना अपनाई गई थी उसको मूलतः देखा जाए तो अधिकारियों और परिस्थितियों ने असफल बना दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक तो इसमें कई इतिहासकारों के द्वारा निर्दोष ही बताया गया है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जिस समय ये अकाल पड़ता है जो दोआब में कर वृद्धि की जाती है उसी समय एक स्वर्गद्वारी क्षेत्र होता है जो कड़ा और मानिकपुर, कड़ा और मानिकपुर इक्ता यानी इक्ता बोले तो सूबा बोले तो जो प्रांत होता है इसके राज्य का सल्तनत का जो प्रांत है उसमें क्या है ये दिल्ली को छोड़कर 2.5 वर्ष वहीं चला जाता है और उसके द्वारा ये 2.5 वर्ष का समय वहीं व्यतीत किया जाता है।
अब बात करते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। कहते हैं कि ये पहला सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान था, जिसने अकाल संहिता बनाई। अकाल संहिता यानी अकाल के तहत जो कानून किस तरीके से किसानों की मदद की जाए। अकाल संहिता में इसके द्वारा किसानों की जो अकाल के समय मदद करने वाला ये पहला सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक था। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, और इसी के द्वारा कृषि के लिए एक अमीर को ही विभाग की स्थापना कर दी जाती है, और पहला जो कृषि से संबंधित अमीर को ही विभाग की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। यानी जो ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमीर को ही विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है। ये विभाग किससे संबंधित था, ये विभाग कृषि से संबंधित था। इसके द्वारा कई कुएं खुदवाए गए और कई नहरों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। हालांकि कई इतिहासकार इसे किसान विरोधी मानते हैं, लेकिन ये अगर बात की जाए तो शुरू से ही हमने पढ़ा था, सबसे विद्वान अगर कोई सुल्तान माना जाता है बुद्धिजीवी तो ये इसे, और सबसे जो विवादित और विरोधाभासी सुल्तान भी इसे ही कहा जाता है। और इसके बाद बात की जाए तो इसके द्वारा एक चक्रावन पद्धति है जो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स किसानों के लिए अपनाने के लिए इसके द्वारा शुरू की गई जो चक्रावन पद्धति है जिसे रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कहते हैं। कृषि क्षेत्र में यानी फसलों को बार बार पलट के बोना, जैसे अपने भी फसलों की बात की जाए तो खरीफ की फसल में जो पहले बाजरा बोते, एक बार बाजरा बो दिया तो अगले वर्ष को बाजरा नहीं बोते, मोट बोते, गवार बोते, इस तरह के जो रोटेशन क्रॉप्स की शुरुआत इसके द्वारा कहा जाता है कि गई, जो मोहम्मद बिन तुगलक के इसका जो संपादक प्रतिपादक माना जाता है। तकावी ऋण, जो तकावी ऋण की बात की जाए तो कृषि से संबंधित ऋण भी इसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोआब क्षेत्र में बढ़ाए गए जो कर के बारे में बात की है, दोआब क्षेत्र में किस तरीके से इसके द्वारा कर बढ़ाया जाता है और किस तरीके से ये असफल हो जाता है, और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो नए नए प्रयोग किए गए थे उनके तहत आता है, जो उसने गृह सुधार और जो गृह नीति अपनाई, सुधार की जो नीति अपनाई, उसके अलावा जो नवीन परिवर्तन किए उसके तहत या नवीन प्रयोगों के तहत ये बात आती है। इतिहासकारों के द्वारा बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो दोआब में कर को बढ़ाने के कई कारण बताएंगे, उनमें बताया गया कि जो उपद्रवियों को दंड देने के लिए, शक्तिशाली सेना का निर्माण करने के लिए, यहाँ राजकोष को भरने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोआब में कर बढ़ाया, जो सत्य प्रतीत नहीं होता। और अन्य इतिहासकारों ने इस जो कर वृद्धि की प्रक्रिया को सामान्य माना है, कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे असामान्य माना जाता है। अगर बात की जाए इस कर वृद्धि की योजना है, इसे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक इसमें निर्दोष था। इसमें अगर बात की जाए तो सारा का सारा दोष उन परिस्थितियों और अधिकारियों के द्वारा था। इसके नीति और उद्देश्य यहाँ पवित्र बताए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा यथा स्थिति के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं बताया जाता, उसे नहीं अवगत कराया जाता। अगर मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है कि यथास्थिति का पता होता तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शक्ति के साथ जो कर वसूलने का जो आदेश यहाँ नहीं दिया जाता है, और जब इसे यथास्थिति को पता चलता है तो इसके द्वारा किसानों के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए और उन्हें कई तरह के किसान जो ऋण है, जो कृषि ऋण भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो बेल लेने के लिए है, हल लेने के लिए और बीज लेने के लिए, ये जो ऋण उपकरण की जो ऋण है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। तत्कालीन जो वर्तमान इतिहासकार की बात करें तो आधुनिक इतिहासकारों में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के द्वारा भी इस बात को माना गया है। उन्होंने भी कहा है कि इसके द्वारा सहायता पहुंचाई जाती मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, लेकिन वो काफ़ी देरी से पहुंचाई जाती है। इतिहासकारों ने अलग अलग मत जो प्रकट किया है,
इसमें बर्नी को ले लो आप, चाहे यही बिन अहमद को ले लो, इन्होंने कई इतिहासकारों ने, फरिश्ता को आप ले लो, तो इन्होंने कहा कि किसी ने 10 गुना, किसी ने 20 गुना और किसी ने 3-4 गुना, किसी ने जो कढ़ाई और घरई चरी बढ़ाया, ये बात कही है। इतिहासकार भी इसमें एकमत नहीं है। और ये बात तो हमने शुरू में ही पढ़ी थी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहते हैं सबसे विद्वान और विरोधाभासी सुल्तान यही रहता है। तो इस तरीके दुआब क्षेत्र में जो अपनाई गई इसके द्वारा करवर्दी की योजना को अंततः इसे त्यागना पड़ता है। और ये जो इसकी करवर्दी की योजना, इसकी इतिहासकारों ने भी काफ़ी आलोचना की, राजस्व व्यवस्था की इसकी जो बर्नी और इब्न बतूता द्वारा पहले ही आलोचना की जाती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, या कोई चीज़ आपको विस्तृत रूप से पूछनी हो, तो आप अपने पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से कोई भी बात मेरे तक पहुंचा सकते हो और मुझे पूछ सकते हो। अगर किसी बात को लेकर आप में जिज्ञासा और उत्सुकता है तो वो बात भी आप निसंकोच हमें पूछ सकते हो। अगर विषय से संबंधित कोई बात हो या उसके अलावा भी अगर इतिहास विषय में कहीं भी आपको व्यवधान या कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा और इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करते हो। कई जो विद्यार्थियों के द्वारा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने हाथों से लिखे हुए हस्तलिखित नोटों की जो प्रतियां मुझे फ़ोन पे भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उन्हें देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि बराबर जो रिस्पॉन्स विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिउत्तर दिया जा रहा है और अच्छी तरीके से तैयारी की जा रही है। और अगर देखते हैं कि ये UGC के अकॉर्डिंग जल्दी अब आपके विद्यालय, जो महाविद्यालय हैं, जो खुल जाएंगे, कॉलेज वगैरह। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे जो कल की क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो नवीन परिवर्तन है, जिसमें राजधानी किस तरीके से बदल दी जाती है, दिल्ली से तुगलकाबाद ले जाते हैं, और खुरासान अभियान, तिब्बत अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।